पर चेक कर रहा था तो उसको देखते देखते कुछ टाइम थोड़ा सा जब बाहर निकला तो ट्रैफिक ब्लॉक थी कैंपस स्कूल पे, तो इट टुक एक्स्ट्रा 15 मिनट्स फॉर मी, सो आई एम रियली सॉरी। दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने सूरह असर माशाल्लाह तलावत की, उसका तर्जमा भी बताया, एक बड़ी कॉम्पैक्ट सूरत है ये सूरतुल असर, और इसके बारे में ये कहा गया कि अगर पूरा कुरान नाजिल ना होता और ये सिर्फ 3 आयतें नाजिल हो जाती तो ये काफी थी मुसलमानों की तबलीग के लिए या तालीम के लिए। इसमें वो कुछ हदायत दे देगी जो पूरे कुरान पाक में खुले मौजूद है। तो वल असर इस जो जो सूरह है माशाल्लाह बड़ी जामिया सूरत और बड़े अच्छे तरीके से तर्जमा बताया डॉक्टर साहब ने। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको पता है अब टॉपिक आज का है ब्रोंकियल अस्थमा, बट जनरली वी विल फोकस ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स स्पेशली ऑन द मैनेजमेंट इन 2022, और कुछ ऐसी बातें जो मेरे ख्याल आपको सबको पता है अस्थमा के बारे में। इट्स नॉट ए यू नो अनकॉमन डिजीज, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हर डॉक्टर, चाहे वो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, चाहे वो टर्शियरी केयर फिजिशियन है, चाहे वो इन बिटवीन कहीं पे, तो उसको अस्थमा के मरीज हर जगह मिल जाते हैं। तो माई टॉक विल बी डेफिनेटली ऑन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, एंड आई विल टेक अबाउट 30 to 40 मिनट्स। तो आप लोग बोर ना होइएगा, अगर जहां बोर होने लगे मुझे बता दें, मैं कुछ स्लाइड स्किप भी कर जाऊंगा। ओके, एक इंसान का जहन जो है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है एक्टिव, 20-25 मिनट के लिए, फिर उसके बाद अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो जहां पे आप बोर हो मुझे बता दें, तो मैं उसको स्लाइड को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। बट पर्टिकुलरली ये लेक्चर स्पेशली प्राइमरी केयर फिजिशियंस को जहन में रखते हुए बनाया गया, और इसमें इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। अस्थमा मैनेजमेंट इन 2022, अब जो हमारे कुछ पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है वो अस्थमा प्रेवलेंस है, अस्थमा ट्रिगर्स हैं, और फिर गैप्स इन चैलेंजेस क्या हैं, गैप्स आजकल हमारे पास जो कि नहीं होने चाहिए और है, जिसकी वजह से अस्थमा मैनेजमेंट बहुत पुअर है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। फिर उसके बाद हमारे पास बैरियर्स क्या है अस्थमा की डायग्नोसिस में और उसके मैनेजमेंट में। इसके अलावा कुछ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है जो आपको सबको पता है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और अल्टीमेटली फाइनली इन बिटवीन हम मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा की जो चंद एक स्लाइडें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है 22 में, नई जो जीना गाइडलाइंस है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा उसको हम कहते हैं जीना, उसी गाइडलाइंस को ग्लोबली हर कोई फॉलो करता है, पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी भी ने भी उसी को एंडोर्स किए और वो भी इसी को फॉलो कर रही है। तो इस पैटर्न से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है। तो अस्थमा, जैसा मैंने भी कहा कि इट्स नॉट एन अनकॉमन डिजीज, इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी आप हिस्सा ले ले, ऐसा नहीं कि अस्थमा वहां नहीं है, जो दुनिया की पॉश कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां भी अस्थमा का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, लाइक न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द टॉप इन प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ अस्थमा, और पाकिस्तान जैसा कि डर्टी है, पॉल्यूटेड कंट्री है, यहां भी अस्थमा का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अगर पॉल्यूशन के हिसाब से खराब है तो अस्थमा यहां पे न्यूजीलैंड या अमरीका वगैरह में कम है, बट इट इट क्योंकि इसकी रीजन मुख्तलिफ है, इसलिए इसकी प्रेवलेंस भी वेरिएबल है। टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वेरी हाई इंसिडेंस प्रेवलेंस, और जैसा कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इंडिया, वहां पे भी इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो इट इज सेटेड आउट 262 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय अस्थमा इन 2019, और 4,61,000 डेथ्स हुई उस साल में अस्थमा की वजह से। दो अस्थमा इज नॉट ए किलर डिजीज, बट ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट और इनकम्प्लीट मैनेजमेंट एंड यू नो अनकम्प्लायंस ऑफ द पेशेंट, डेथ्स हो जाती है इसमें। तो पूरी दुनिया में 4,61,000, ये WHO का डाटा है जो हम बता रहे हैं आपको जी, ठीक है जी। एस्थमा इज अ मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। आपको पता है कि एस्थमा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बड़ा कॉमन सवाल होता है मरीजों को आके, ये लगत नहीं जाएगी मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, ये टीबी नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, ये कोविड नहीं है, दिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल, इट इज इनहेरिटेड, ये जीन्स में चलती है। वो कहने जी मेरे वाले साहब ने भी, मैंने भी, इट रन्स इन जीन्स, जेनेटिक बीमारी है, इन्फेक्शन नॉन कम्युनिकेबल। और कॉमन नॉन कम्युनिकेबल बीमारी में से आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस है, इसके बाद हाइपरटेंशन है, COPD है, दीज आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक दूसरे से नहीं लगती, बट इधर जी दिस इज एलर्जी की नोडी, वो एक बात नहीं, नॉट एलर्जी, वो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको एलर्जी क्या चीज। हम यूजुअली पेशेंट जो होता है कहते हैं डॉक्टर साहब ने कहा एलर्जी, तुझे दमा कह रहे हो, वहां भी फिर कंसल्टेंट का काम बड़ा खराब हो जाता है, समझाना पड़ता है, कहें तुझे खामा का वो सारी उम्र तुम्हें एलर्जी का पता, तुझे दमा कहता मैं, वो बड़ा काम खराब हो जाता है। भारत एनी वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एस्थमा इज द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज एज वेल इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट बोथ। अभी डिफरेंट कंट्रीज में आप प्रेवलेंस देख लें, मुख्तलिफ एजेस में 9.7 से 7.9, 9.8 मुख्तलिफ एज ग्रुप में, एंड जो मेन प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जो कि
15 से 17 और फिर 20 से 24 साल इसमें 10% तक मुफ्त स्टडीज में आया, जबकि कुछ स्टडीज में जैसे मैंने अभी न्यूजीलैंड की बात की वहां पे प्रेवलेंस का 15% तक जाता है। पाकिस्तान में भी एक स्टडी हुई थी आगा खान वालों ने की थी 2011-12 में, उसमें इंसिडेंस हमारा 11% के करीब आया था, अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो डिफरेंट जगहों पे, तो अब पाकिस्तान में जैसा कि डेवलपिंग कंट्री है तो इंसिडेंस ऑफ एस्थमा इज ऑलरेडी वेरी हाई, उसकी रीजंस मल्टीपल हैं, जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो इंसिडेंस ऑफ एस्थमा इज वेरी हाई। WHO इज कमिटेड टू इम्प्रूव द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एस्थमा टू रिड्यूस द ग्लोबल बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। WHO का मोटो है कि जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनमें हम एक्टिवली काम करें और उनको भी कंट्रोल करें। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है लाइक ट्यूबरक्लोसिस उसमें तो काम बहुत सारा हो रहा है WHO में थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट नॉन कम्युनिकेबल दे आर कमिटेड टू डू इट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एस्थमा है क्या चीज। एनीबॉडी, व्हाट इज एस्थमा? रेस्पिरेटरी डिस्टर्स विद अटैक्स, इट इज कम इन अटैक्स, पैक्सिमल प्रॉक्सिमल। हे, दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द सिम्टम्स, सिम्टम्स व्हाट इज इट? ये है क्या? इन्फ्लेमेशन और एल्विओलाई या वन बाय वन बाय इन्फ्लेमेटरी डिस्टर्बेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। शाबाश जी। बेसिकली दिस इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दिस इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये याद रखना कि दिस इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, दिस इज नॉट इन्फेक्टिव। इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन दो अलग चीजें हैं। कमिंग प्रॉक्सिज्म, ठीक है, वो तो अटैक्स आएंगे ना, ये प्रॉक्सिज्म में अटैक, प्रॉक्सिज्म में कभी आया कभी नहीं आया, कभी ये अटैक्स में आता है जी। बेसिकली इट्स ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इट इज डिफाइंड बाय हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, कफ, All of these or any one of these or any of the combinations. जरूरी नहीं कि मरीज को सिर्फ सांस भी चढ़े, वीजिंग भी हो, फिर हम एस्थमा करेंगे। किसी को वीजिंग हो रही होती है, किसी को सिर्फ खांसी होती है, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस के साथ आ जाता है, और किसी को मल्टीपल सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं। तो दीज टिपिकल सिम्टम्स ड्यू टू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज, नॉट द एल्वियोलाई, एयरवेज की डिजीज है ये। एंड द सिम्टम्स आर वेरिएबल ओवर द टाइम, एक पेशेंट में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं और डिफरेंट पेशेंट में डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई खांसी के साथ आएगा, कोई सांस के साथ आएगा। एक मरीज को आज जनवरी फरवरी में अटैक हो रहा है, उसको मार्च अप्रैल में नहीं होगा, दूसरे मरीज को मार्च अप्रैल में हो रहा है, कोई जनवरी में नहीं होगा। तो दिस इज ए वेरी हेट्रोजिनस डिजीज, वेरिएबल डिजीज, ये ध्यान में रखना आपने। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, नॉर्मल एयरवेज है, इन्फ्लेमेशन हुई तो एयरवेज को तंग हो गया, उसकी वजह आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन और इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम इतना नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि वो बेसिकली हम क्लिनिशियन है, हमारे से इतना कंसर्न शायद ना हो। अब अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या, जैसा मैंने अभी बात की, इन्फ्लेमेशन है, अ लोकल रिएक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अग्रेशन ऑफ द स्टिमुलाई, नॉक्स ऑफ वेरियस नेचर। जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, इंटरनली तो हम जेनेटिकली प्रोन हो गए अस्थमा के लिए, और जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या ट्रिगर्स है उसको वर्सन करते हैं। अब मरीज 60 साल का आपके पास आता है, उसको आप अस्थमा डायग्नोस करने कहने डॉक्टर साहब 60 साल से मैंने कुछ नहीं हुआ, उन्होंने दवा किवें हो गया, तो ये नेचर डिसाइड करती है, पेशेंट जीन्स लेके पैदा हुआ, किसी को पहले महीने में दमा शुरू हो जाता है और किसी को 70 साल की उम्र में जाके एस्थमा शुरू होता है। और यू नो व्हाट आर द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो रही हो वो आपने पढ़े हैं, रूबर, क्यूबर, पेन, ये चार पांच कॉमन सिम्टम्स है। इसलिए कई दफा एस्थमा का मरीज ये भी कहता है कि मुझे सीने में दर्द हो रही है आके, वो कई दफा बता रहे होते हैं। यू हैव टू कीप इन माइंड इन्फ्लेमेशन इज ए मेजर अंडरलाइंग पैथोलॉजी ऑफ एस्थमा, एंड due to this inflammation there are multiple inflammatory chemokines and leukotrienes which are released in the airways and they lead to the constriction of the airways ya bronchospasm of the airways, excessive mucus production, glands jo hai mucus glands wo bhi aggravate ho jate hain in inflammatory markers ki wajah se aur they start pouring in their secretions. To hota kya hai, saans ki naliyon mein ek to bronchospasm ho jata hai, bronchospasm muscles ka hota hai, muscles spasm mein aa jate hain aur mucus secretions badh jati hain, तो दोनों चीजें ल्यूमन को छोटा कर देते हैं, जैसा कि हमने पिछली तस्वीर में देखा। जब ल्यूमन छोटा होगा एयरवेज का तो सांस लेने में डिफिकल्टी आ जाएगी और वीजिंग होना शुरू हो जाएगी और खांसी आना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह सिम्टम्स बनते हैं। देयर इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पैज्म, बीटा रिसेप्टर इनहिबिशन या ब्लॉकेज, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं हाइपर स्टिमुलेट हो जाते हैं। दीज आर द टू मैकेनिज्म, आप ध्यान में रखें, एक क्या हुआ केमिकल रिलीज हो गया, एक चीज वहां पे हम केमिकल को स्टॉप कर सकते हैं, दूसरा हम ब्रोंको डायलेटेशन कर सकते हैं बीटा एग्निस्ट के साथ, और तीसरा हम एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं कि हम ये इसको ब्रोंको डायलेटेशन करते हैं। दो ब्रोंको डायलेटर और एंटी लिकोट्राइन्स वहां पे काम आ जाएंगे। बड़ी प्यारी पिक्चर है, आपको पता चल जाएगा कि एस्थमा अटैक्स में कौन कौन से सिम्टम्स सारे के सारे आते हैं। जो चार मेन मैंने बताया वो तो होते ही है, उसके अलावा ये चीज
कई मरीज सिर्फ खांसी के साथ आते हैं जी, खांसी खांसी खांसी, जिसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा, और कई लोग सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन के लिए, चेस्ट इज दबा रहे, ऐसा नहीं मैनू आ रहा, ऐसा नहीं मैनू आ रहा, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट फॉर द डायग्नोसिस। इसमें कोई मिलिंगरिंग और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंग्जाइटी वाले पेशेंट आ रहे होते हैं, बट यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ एंड व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिगर्स। जैसे मैंने कहा कि ये है तो इनहेरिटेड बीमारी, जेनेटिक्स जीन्स की बीमारी है, पर जो ट्रिगर्स हैं एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो आपके सामने पड़ी हैं, ये चीजों को एस्थमा के सिम्टम्स को वर्स करते हैं। जिस तरह आजकल स्मॉग आने वाली है, हैवी वेदर हो गया, ठंड हो गई, एसी की हवा हो गई, कॉकरोचेज हैं, देयर आर डिफरेंट मल्टीपल यू नो थाउजेंड्स ऑफ एलर्जेंस इन द एटमॉस्फेयर व्हिच वर्सन द एस्थमा। अब जो हम इम्यूनोथेरेपी के लिए एंटी एलर्जी वालों को भेजते हैं वो तो 8-10 के खिलाफ करते हैं, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलर्जेंस इन द एटमॉस्फेयर, तमाम का ना पता चलता है और ना हम तमाम से एस्केप हासिल कर सकते हैं। ड्यू टू एक्सपोजर टू ए रेंज ऑफ एनवायरमेंटल एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स लाइक कॉकरोचेज है, फिर ये पॉल्यूटेंट्स जो पौधों से निकलते हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद में पोलन एलर्जीज बहुत ज्यादा है जो एस्थमा एलर्जिक राइनाइटिस को लीड करती है, स्किन एलर्जीज के साथ एक्जिमा एंड राइनाइटिस के साथ एस्थमा वर्सन हो रहा होता है, फिर देयर आर सर्टन अदर फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग और प्रीमेच्योर यू नो डिलीवरीज जब हो जाती है, प्रीमेच्योर बर्थ है, लो बर्थ वेट है, दे आर ऑल प्रोन टू दीज पर्सन आर डेवलप टू एस्थमा मोर लाइकली होते हैं। एस्थमा इज मोर लाइकली इफ अदर फैमिली मेंबर्स आल्सो हैव एस्थमा सच एज पेरेंट्स और सिबलिंग्स। तो एस्थमा का जब मरीज है तो पूछे फैमिली में किसी और को है, सिबलिंग्स क्या होते हैं जी, बहन भाई, ठीक है, पेरेंट्स बहन भाई, पेरेंट्स में ग्रैंड पेरेंट्स में भी आप जा सकते हैं, मटर्नल और पटर्नल, तो हिस्ट्री आपकी डिटेल होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर हम पढ़ाते हैं तो यही कहते हैं कि 60% डायग्नोसिस ऑलवेज ऑन द हिस्ट्री, 20% ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सिर्फ 20% आप इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़े। होता क्या कि हम 100% इन्वेस्टिगेशन बता देते हैं मरीज को और बाकी हिस्ट्री वगैरह पे हमारा जोर कोई नहीं है। ओवरवेट बच्चों, किसी का अगर वजन बढ़ रहा है, स्ट्रेस में है, तो ये भी एस्थमा को वर्सनिंग करने के फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, अब एस्थमा और सीओपीडी दो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पता होने चाहिए कि किसको आप स्ट्रेट अवे एस्थमा कह देंगे और किसको सीओपीडी कह देंगे। सबसे पहली चीज तो स्मोकिंग की हिस्ट्री में रखें, द पेशेंट हु इज स्मोकिंग फॉर द लॉन्ग टाइम मस्ट बी ऑफ सीओपीडी। पर ये नहीं कि एस्थमेटिक स्मोकर्स नहीं होते, एस्थमेटिक स्मोकर्स होते हैं, बट स्मोकिंग की हिस्ट्री लॉन्ग जो है मे बी 30 पैक ईयर्स 20 पैक ईयर्स विल गो इन फेवर ऑफ द यू नो सीओपीडी। और पेशेंट की एज देखिए, अगर पेशेंट को सिम्टम स्टार्ट हुए 10-12 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में, या यंगर एज ग्रुप में बिफोर 40, तो आप एस्थमा सस्पेक्ट करें रादर देन सीओपीडी। अगर 40 के बाद स्मोकर को सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप सीओपीडी लेवल करें। उसके बाद जिस भी बात करते हैं पैरोक्सिज्म्स की, अटैक की सूरत में अगर आते हैं सिम्टम्स, आपको नाइट टाइम के सिम्टम्स हैं, खांसी आ गई रात को लेटते हुए, दिन में ठीक रहा, सांस चढ़ रहा है, कभी ठीक हो गया कभी खराब हो गया, तो एस्थमा। बट जो सीओपीडी की बीमारी है वो कंटिन्यूस बीमारी है, प्रोग्रेसिव बीमारी है, रेगुलर बीमारी है, उसमें सिम्टम्स पेशेंट के सेटल नहीं होते, रोजाना कोई ना कोई सिम्टम्स चलते रहते हैं जी। एटोपी बड़ी कॉमन है, एटोपी मीन एलर्जी, जिसमें डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एलर्जी की हिस्ट्री, स्किन एलर्जीज की हिस्ट्री, नेजल एलर्जीज की हिस्ट्री, हिस्ट्री लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एलर्जीज की हिस्ट्री वो दे रहा है तो डेफिनेटली फेवर ऑन ब्रोंकियल एस्थमा, नॉट इन सीओपीडी। फिर मैंने अभी बताया इंटरमिटेंट एंड वेरिएबल एटोपी, जी इट में स्टार्ट एट एनी टाइम, बट यूजुअली बच्चों को भी एटोपी शुरू हो जाती है, यूजुअली बच्चों को स्टार्ट हो रही होती है। रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जब हम स्पायरोमेट्री करें तो रिवर्सिबल से मुराद है कि स्पायरोमेट्री में 15% तक, 12-15% तक फर्क पड़ जाता है विद ब्रोंकोडायलेटर्स स्पायरोमेट्री के साथ, या पीए भाग में आगे आपको दिखाऊंगा। बट इन सीओपीडी विच इज इररिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, दिस इज नॉट रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एक्सर्वेशन कॉमन एट ऑल लेवल ऑफ सिवियरिटी एक्सेप्ट इन माइल्ड डिजीज, बाइट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीज, जो जो सीओपीडी में डिजीज बढ़ती जाती है एक्सेसरबेशन बढ़ती जाती है, और हर एक्सेसरबेशन की भीड़ को मजीद खराब कर देती है। एस्थमा में एक्सेसरबेशन होती है बट दे आर यू नो ट्रीटेबल एंड क्योरेबल। क्या सर अल्टीमेटली एस्थमा भी जो है सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है? जी होगा, क्वेश्चन बाद में रखे मेरे ख्याल, पर हो जाता है। क्रॉनिक एस्थमेटिक्स को आप सीओपीडी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द क्रॉनिक एस्थमेटिक्स दे बिहेव एज सीओपीडी पेशेंट, रिवर्सिबिलिटी नहीं आती उनमें, क्योंकि उनकी जो एपिथीलियम है परमानेंट चेंज हो जाती है, उनकी एपिथीलियम लाइनिंग जो है वो सीओपीडी वाली डेवलप हो जाती है। अब हमारे गैप्स क्या है और चैलेंजेस क्या है एस्थमा केयर में, ये अभी जो लास्ट चंद महीने पहले वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया उसमें इनकी थीम ही थी क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। अब व्हाट आर द डिफरेंट गैप्स, वो गैप्स है क्या, हम अगर उनको पहचान लें तो शायद हम, दीज आर रिटन ओवर देयर, क्या क्या है खासतौर पर इन एस्थमा नॉलेज
एंड एस्थमा अवेयरनेस बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पता ही नहीं कि एस्थमा है क्या और हमने किस तरह नॉलेज देना है और गेन करना, पेशेंट को क्या बताना हमने खास तौर पे. एंड डॉक्टर्स के पास डोंट हैव टाइम टू गिव टू द पेशेंट. एस्थमा का पेशेंट टाइम मांगता है, हर पेशेंट टाइम मांगता है, पर एस्थमा का पेशेंट खास तौर पे जब आपने उसको ट्रीटमेंट बताना है तो हैव टू गिव टाइम. सो देयर इज अ गैप बिटवीन टेलिंग द पेशेंट एंड पेशेंट को बताने में बड़ा फर्क पड़ जाता है. अवेयरनेस बहुत कम है हमारे यहाँ इन द डॉक्टर्स, इन द पैरामेडिक्स और इन द पेशेंट्स. इसीलिए तो हम ये करवाते हैं जी. ये बड़ा जरूरी है जी. मेरे ख्याल ये रिपीटेडली होने चाहिए और हर डिजीज के होने चाहिए. एस्थमा ही नहीं, देयर आर सो मेनी अदर डिजीजेस जी जी. इन और उसके बाद इन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, ये डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. मैं आपको बाद में दे भी दूंगा इसकी स्लाइड है, ठीक है. ये गैप्स हैं, हम इसको अपने YouTube पे भी लगा देते हैं. अच्छा ठीक है. व्हाट आर द बैरियर टू एस्थमा डायग्नोसिस? पुअर एक्सेस टू द मेडिकल केयर, हर बंदा आता भी नहीं सांस वाला. स्टिग्मास बड़े हैं, खासतौर पर लड़कियां हमारी जो है जाती नहीं डॉक्टरों के पास, एस्थमा लेबल हो जाएगा हमारी शादी नहीं होनी. और यही एक्चुअली होता है, बेचारों की मंगनियां टूट जाती हैं, कईयों को तलाक भी हो जाती है, दम कटो बार ये पंप लें दिए तो फलाना टाइम पर. देर इज सो यू नो इलिटरेसी इन आर सोशल स्टिग्मास, उसमें से वन ऑफ एस्थमा इज ऑल्सो देयर. तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, खुवातीन डॉक्टर के पास ही नहीं जाती कि मैंने यह मसला हो गया था कि बनेगा. फिर लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेशेंट्स, ओवरलैप ऑफ एस्थमा सिम्टम्स विद अदर डिजीजेज, नो कंट्रोल ऑन क्वैक्स इन पाकिस्तान. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वैकरी अभी तक चल रही है. हेल्थ केयर कमीशन कब का बन गया, क्वैकरी चल रही है. उनका अपना काम चल रहा है, उनका अपना काम चल रहा है, अल्लाह जानता है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर ओवरबर्डन, पर्टिकुलर इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नो डाउट. पेशेंट्स एंड नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हमारा प्राइमरी केयर पे जहन में जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज उसको जहन में नहीं रखते हम, और हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं. ठीक है, यू हैव टू ट्रीट द सिम्टम्स, बट बेसिकली यू हैव टू किल द बेसिक थिंग कि जो डिजीज है उसको पकड़े हैं. आप खांसी रेशा तो आप ठीक कर देंगे मरीज का, पर वो जो है टीबी कौन ट्रीट करेगा, लंग खराब होता जाएगा. जब तक हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को सबसाइड नहीं करेंगे एस्थमा, एस्थमा के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं होंगे. वक्ती तौर पर शायद मरीज ठीक हो जाए, हफ्ते दो हफ्ते के बाद फिर वो आ जाएगा अपने सिम्टम्स लेके. मेडिकेशंस आर नॉट अवेलेबल इन मोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वेरी ट्रू. हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, पेशेंट्स कांट अफोर्ड. इनहेलर का नाम सुन मरीज घबरा जाता है कि ये मैं 2000 का इनहेलर केवे लगाऊंगा. सॉरी, अगर डॉक्टर उसको समझा दे कि आप डेली डोज कैलकुलेट कर दे, 30-40 रुपए की बनती, ज्यादा नहीं बनती, एक दफा पैसे खर्च होते हैं, तो मरीज कायल भी हो जाता है. बट अगर स्टेट अवे ले और वो कहे तो 2-2.5 हजार रुपए क्यों लगाऊंगा, तो दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम. चीपर भी अवेलेबल है, चीपर भी अवेलेबल है, बट फिर वही बात है, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, वो बड़ा मसला खराब हो जाता है. अंडर यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड, ऑलवेज गिव मेडिसिन जो कि बड़ी अच्छी है. ठीक है बड़ा मुझे पता है कि बड़े बैरियर्स हैं आपकी प्रैक्टिस में, जो मरीज आता है वो किस किस्म का होता है, और आपने खुद से दवाइयां देनी होती हैं, अपने बच्चों को भी खिलाना है, तो हर चीज को रखना. अगर आप अपने पास 2000 की दवाई रख देंगे तो 2000 तो मरीज फीस भी नहीं देगा जी. तो बड़ा प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम. अभी तक हमारे यहाँ 20 साल हो गए इनहेलर्स को आए, 22 साल, बट वो जो बहुत अच्छा हो गया इनहेलर्स का यूज, बड़े लोगों को पता चल गया. लोग कुछ खुद आके कहते भी है कि डॉक्टर तुझे इनहेलर से लिखे ही नहीं सानू, बट फिर भी अभी भी इसका इतना स्टिग्मा है, इनहेलर वो तो लग जाएगा जी. तो मरीज को बताने की जरूरत है कि इनहेलर नहीं लगता, बीमारी लग रही है. अब एक मरीज को डायबिटीज है तो इंसुलिन लगानी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी. अब वो इंसुलिन तो नहीं लगी उसको, तो बीमारी लगी है. तो कुछ चीजें हैं जो मरीज को हम बताएं तो मरीज समझ भी जाते हैं. एस्थमा पेशेंट्स मे नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देयर मेडिकेशंस प्रॉपरली, ठीक है. मिसकंसेप्शंस अबाउट एस्थमा वेरी कॉमन. लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, दीज आर ऑल कंडीशंस. अब ये देखें, बड़ा जबरदस्त एक सर्वे हुआ जो कि बीएमजे में 2017 में छपा भी है कि पाकिस्तान में जो डॉक्टर है, ये बात हो रही है प्राइमरी केयर डॉक्टर्स की, वो 2-3 मिनट से ज्यादा अपने मरीज को नहीं देता. उसके बाद 50 मरीज बैठे हुए, अब उसने घर भी जाना है, तो अब क्या क्या करेगा बेचारा. अगर वो एस्थमा के मरीज को लेकर 15-20 मिनट उसने लगा दिया तो बाकी तो बाहर हड़ताल कर देंगे मरीज. तो दिस इज वेरी यू नो प्रॉब्लम, इट्स रियली प्रॉब्लम एट दिस लेवल. बाद में सवाल आते लिख लें, आई एम सॉरी जी, वो मेरा थोड़ा सा टेम्पो टूट जाएगा. बिल्कुल. अब एस्थमा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता होना, सिर्फ एस्थमा ही बीमारी नहीं जो सब मरीज लेके फिर रहे हैं. यू हैव टू डिफरेंशिएट सर्टन डिजीजेस लाइक क्रॉनिक अपर वे कफ सिंड्रोम. ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज बार बार खाऊं खाऊं करता रहता है, नाक ब्लॉक होती है, थ्रोट खराब हो जाता है, गले खराब होने के मरीज बार बार आते हैं, पर दे बिहेव लाइक एस्थमा, उसको डिफरेंशिएट करना है.
फिर इंड्यूसेबल लैरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शंस है, हाइपरवेंटिलेशन, डिसफंक्शनल ब्रीदिंग, दिस इज वेरी कॉमन इन यंग फीमेल्स पर्टिकुलरली कि वो डिसफंक्शनल ब्रीदिंग के साथ बहुत ज्यादा आती है. ब्रोंकियेक्टेसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इनहेल्ड फॉरेन बॉडीज, दे मे बिहेव लाइक एस्थमा बट हिस्ट्री विल ट्रूली डिफरेंशिएट बिटवीन दिस कंडीशन एंड ब्रोंकियल एस्थमा. ठीक है, अगर हम अडल्ट्स में देखें 40 साल के बाद, तो सीओपीडी एक मेन डिजीज है जो कि डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है. हमें सीओपीडी के बारे में पहले पॉइंट देख लिया कि सीओपीडी में और एस्थमा में हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है. एस्थमा डायग्नोसिस जी, एनीबॉडी किसना क्लिनिक में डायग्नोस करते हैं आप एस्थमा? पीक फ्लो बताया है, इसमें पीक फ्लो मीटर हम यूज करते हैं और इसमें अगर एस्थमा सस्पेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, उसको इनहेल करवाएंगे. फर्स्ट वो हमने उसको क्लीनल दिया है, उसको अगर उसको पहले जो उसने बिफोर यू सी नेबुलाइजेशन, इफ यू सी द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर नेबुलाइजेशन एंड प्री नेबुलाइजेशन, इफ द डिफरेंस इज तो होगी थ्योरेटिकल बात, व्हाट इज डायग्नोसिस डूइंग प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज डूइंग इट. सबसे पहले तो हिस्ट्री, हिस्ट्री, उसके बाद एग्जामिनेशन. टोटल हिस्ट्री हो गई, आपने 4-5 मिनट दे दिए, पर अब हम उसको छोड़ चुके हैं ना. अब हम सिर्फ डायग्नोसिस से बताते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहेंगे आप. होता है एस्थमा, आपने उसको लेबल कर लिया कि ये मोस्ट लाइकली एस्थमा है. And now you have to confirm the diagnosis. Spirometry. Pulmonary function test, which is not available with every. Peak flow meter. लेकिन हमारे अपने क्लिनिक के ऊपर हम पीक फ्लो मीटर यूज करके भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इसको एस्थमा है या नहीं है. अच्छा, I tell you, peak flow meter is not for the purpose of diagnosis. Spirometry मरीज की जरूर होनी चाहिए, एस्थमा होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए. But peak expiratory flow machines जो है, right peak expiratory flow होता है, PEFR. पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट को मेजर करता है. अगर हमें पता ही नहीं कि पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होता गया है और स्पायरोमीटर मीटर में हमें क्या मेजर करना, तो उसको कराने का फायदा कोई नहीं. कैसे कराना ये हमें नहीं पता, उसकी रिवर्सिबिलिटी हमने कैसे देखनी, कैसे परसेंटेज निकालनी ये हमें नहीं पता. मेरा ख्याल है सिर्फ यू करा के देख लिया और अगली बार उसको हिला के देख लिया, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या सिचुएशन होनी है. तो ठीक है, इट्स अ गुड जैकेट, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा, आपके पास होना चाहिए. Spirometry is a must by to differentiate obstructive and restrictive lung disease. डायग्नोसिस के लिए स्पायरोमेट्री होनी चाहिए और मॉनिटरिंग करनी तो PEFR कर सकते हैं. बाहर के मुल्कों में तो वो डायरीज दे देते हैं मरीज को ना, उसमें वो अपना खुद रिकॉर्ड मेंटेन होता है, या फिजिशियन के पास वो जाते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो उसका रिकॉर्ड निकल आता है कि पिछले 2 हफ्ते में कितनी इसकी वेरिएशन है. मैंने पिछले बात की, दिस इज वेरिएबल डिजीज, हेटरोजेनस डिजीज, तो हम उसके ग्राफ को देख के या उसकी रीडिंग को देख के पता चल जाता है कि ये सीओपीडी नहीं है, एस्थमा है. ठीक है, पीएफआर इज गुड गैजेट, ठीक है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, काम कर सकते हैं. ठीक है जी, आपने क्लिनिक में करना क्या है, दीज आर थिंग, क्लिनिक में क्या करना है. पीएफआर आ गया जी, आप वाली बात सेकंड में. क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या मिलेगा आपको, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मिलेगी, फ्रीजिंग मिलेगी, सबसे कॉमन चीज है फ्रीजिंग. वैसे कई मरीज मरीज खुद ही बताया था कि मैंने सीटियां वाइज दी है, पर अगर आप स्कोप रखेंगे तो रोंगाई आ रही होगी, फ्रीजिंग आ रही होगी उसको. ठीक है, बट नॉट इन एवरी पेशेंट, बहुत से पेशेंट होते हैं जो वीज के बगैर होते हैं. नॉट एवरीथिंग दैट वीज इज एस्थमा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एस्थमा नहीं होती पर वीज करती हैं, और बहुत सारी एस्थमेटिक ऐसे होते हैं जो वीज नहीं करते, तो ये भी ध्यान में आपने रखना है. ठीक है, स्पायरोमीट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल फॉर द स्पायरो फॉर द ब्रोंकियल एस्थमा. स्किन एलर्जी टेस्टिंग कहीं होती है, एस्थमा कंट्रोल टेस्ट के साथ बना हुआ है एस्थमा कंट्रोल. ऑफकोर्स इट्स डिफिकल्ट टू असेस ऑल दीज थिंग्स, स्कोरिंग करनी, टाइम चाहिए इसके लिए. ठीक है, ठीक है, थ्रेटिकली तो ठीक है, हमने बच्चों को पीजी को पढ़ाना है वो कर लेगा सारा कुछ, बट एक इतना बिजी क्लिनिशियन वो ये करना बड़ा उसके लिए डिफिकल्ट. सीओपीडी के लिए भी स्कोर है जिसको हम कहते हैं एक्ट, एस्थमा कंट्रोल टेस्ट, और ये ब्रोंकियल एस्थमा के लिए एस्थमा कंट्रोल, सीओपीडी के लिए भी टेस्ट को कहते हैं हम कैट. है जी, ये दो चीजें देखें, एक्ट और कैट, वो सीओपीडी के लिए है और ये एस्थमा के लिए है. अब ये देख ले आप, आ गया, दिस इज स्पायरोमीटर, आपने देखा होगा स्पायरोमीट्री मशीन जो है, दिस इज वेरी यू नो गुड मशीन, छोटी सी मशीन है, ग्लो कराना है पेशेंट को, इसने रीडिंग खुद खुद देनी है आपने. डॉक्टर जो नहीं निकाला, और ये इसमें अगर देखे तो 3 एरिया नजर आ रहे हैं मार्कर जोन, रेड जोन में तो बहुत खतरनाक सिवियर है, येलो में है और ग्रीन जोन में है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इससे पेशेंट का मॉनिटर कर सकते हैं एस्थमा की सिवियरिटी को भी, कि अब हमारे ट्रीटमेंट के साथ मरीज कहां पे जा रहा है. अब एस्थमा ऑप्शंस ट्रीटमेंट क्या है, आपको पता ओरल ट्रीटमेंट्स भी हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी हैं, इनहेलर भी ट्रीटमेंट है. द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा, हम एक्यूट सीवियर एस्थमा की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉनिक एस्थमा इज इनहेलर. अगर आप इनहेलर मरीज को देके उसको समझा दे और मरीज इनहेलर ले रहे तो वो
बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिस तरह की आप सोने की अंगूठियां पहनते हैं, मैं तो मरीज को ये समझाता हूँ ये सोना है जी, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ये सोना है। दूसरी बात ये कि वो लोग मोंटी लिपास पे लगे थे, इनहेरेंट छोड़ देते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ भाई मुर्गा छोड़ दिया आप दाल खा रहे हैं, आप दाल छोड़े मुर्गा खाए, तो इनहेलर्स ले, इनहेलर्स डोजेज माइक्रोग्राम्स में है और फायदा उसका इतना बड़ा है, साइड इफेक्ट्स भी कोई नहीं होते, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट यू नो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू अस, नेबुलाइजिंग सॉल्यूशंस। एक मैं यहाँ बात कर दूं मैनेजमेंट में, तो हम अभी जाते हैं कि नेबुलाइजेशन इज वेरी कॉमन इन क्रॉनिक एस्थमेटिक्स। इनहेलर अगर आप दे रहे हैं तो नेबुलाइजेशन अटैक के अलावा जरूरत कोई नहीं है, और नेबुलाइजेशन भी किसके साथ, स्टीरॉइड के साथ, व्हिच इज नॉट रिकमेंडेड। जब आप ओरल स्टीरॉइड दे सकते हैं, इंजेक्टेबल स्टीरॉइड दे सकते हैं, और आई एम सॉरी केजी फार्मास्यूटिकल्स, मैं इसके अगेंस्ट हूं हमेशा से, अभी भी जा रहा हूं कि ये क्लिनल कंपोजिटम वगैरह आई नेवर राइट एंड आई नेवर रिकमेंड, ठीक है जी, पर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, पर नहीं मेरी ये टॉक खराब आपको क्या कहेगी, क्योंकि व्हेन यू आर पुटिंग इन डायरेक्टली स्टीरॉइड इन सीओपीडी एंड एस्थमा तो निमोनिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पर इनहेलर्स आर वेरी गुड। इनहेलर्स जो है वो आपने इस्तेमाल करने हमेशा से, ठीक है जी। जो मेन अब हमारी चेंज है एस्थमा में ट्रीटमेंट में, जो कि आपको पता होना चाहिए, अभी भी हमारे 80% ऑफ द पेशेंट्स वेंटुलिन का इनहेलर हाथ में पकड़ा होता है, जब लगा था वेंटुलिन मार लिया, वेंटुलिन कर लिया, ये भी वाली इस्तेमाल करने से होता ठीक ही नहीं होता, ठीक है। और दिस इज द मेजर साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा ट्यूमर्स हैं, टैकीकार्डिया है, डेथ होती देखा है जी जी, वो सेकेंडरी चीजें हैं। ओवर यूजेज ऑफ साबा इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिस्क फैक्टर फॉर एक्सेसर्बेशंस एंड लाइकली कॉज ऑफ एस्थमा रिलेटेड डेथ्स। ये बहुत सारी स्टडीज ने साबित कर दिया है कि अगर हम सिर्फ वेंटुलिन इनहेलर पे लगे रहे, मरीजों को लगाए रखें, तो क्या होता है इससे, उसमें हार्ट बीटा एगोनिस्ट है, नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, होता क्या है एस्थमा से डेथ होगी ना, हम एस्थमा रिलेटेड डेथ बात कर रहे हैं जी, टैकीकार्डिया हो रहा है, पर डेथ की बात करें वो क्यों हो जाएगी, हमने अभी शुरू में बात की दिस इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, बट दिस इज नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये ब्रोंकोडायलेटर है, ये स्मूथ मसल को तो छोड़ देगा, इन्फ्लेमेशन खत्म नहीं करेगा, वो मरीज लेता रहेगा 6-7-8-10 दवा, अल्टीमेटली इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बिल्कुल चोक हो जाएगा वो, इट कैन लीड टू द डेथ, ठीक है। तो ओवर यूज ऑफ साबा विच इज वेंटोलिन एंड ब्रिकनिल, इसका इस्तेमाल नहीं करना इनहेलर्स का हमने। Poor adherence is very common. 50% of adults and children do not take controller medications. This is very important. Controller medications leni hai. Poor adherence is recognized as risk factor for exacerbation. Agar mareez apna inhaler nahi lega waqt pe, to exacerbations badh jati hai. Although inhaled saba are highly effective for quick relief of asthma symptoms, patient whose asthma is treated with saba alone, compared with ICS, very important, whose asthma is trying to be controlled with साबा, साबा समझते हैं ना, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एक होता लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एक होता सामा शॉर्ट एक्टिंग एंटी मस्क्रेनिक, और एक होता लामा लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रेनिक, ये शॉर्टकट बने हुए जो लिखे हुए हैं हर जगह पर, आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्थमा रिलेटेड डेथ एंड अर्जेंट एस्थमा रिलेटेड हेल्थ केयर इवन इफ दे हैव गुड सिम्टम्स कंट्रोल। अगर वेंटुलिन लेके सिम्टम्स उनके कंट्रोल है, और उनके हालात ज्यादा खराब हो जाते हैं फौरी तौर पर। सो दिस इज रिस्क क्या है साबा का, रेगुलर यूज ऑफ साबा इवन फॉर 1-2 वीक्स एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स, वो क्या है, बीटा रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है, डिक्रीज ब्रोंको प्रोटेक्शन, रिबाउंड हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, डिक्रीज ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स, इंक्रीज एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड इंक्रीज एसोनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन। लुबे लबाब यह है कि इसकी जो इन्फ्लेमेशन है एसोनिक इन्फ्लेमेशन वो बढ़ती जाती है विद द हेल्प ऑफ ए बीटा एगोनिस्ट, ठीक है। उसके बाद हायर यूज ऑफ साबा इज एसोसिएटेड विद एडवर्स क्लिनिकल आउटकम। अगर कोई बंदा मुख्तलिफ जगहों में, मैंने पढ़ा था 3 कैनिस्टर एक साल लिखे हुए पर, ये मैंने पेपर भी पढ़ा इसके बारे में, उसने ये लिखा कि अगर कोई बंदा 3 कैनिस्टर मतलब 3 इनहेलर साल में इस्तेमाल करता है, तो उसमें मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक्सेसर्बेशन बढ़ जाती है, और अगर कोई मरीज 12 से ज्यादा कैनिस्टर साल में इस्तेमाल कर रहा है, उसकी मोर्टिलिटी बहुत बढ़ जाती है, डेथ बहुत बड़ी। पर हमारे तो बंदे महीने में 12 कैनिस्टर खत्म कर देते हैं, एक इनहेलर में 200 डोजेज होती है ना, उसने रोज ही 20-25 लेनी तो 4 दिन में खत्म हो गए ना, तो ये 3 कैनिस्टर साल और 12 कैनिस्टर साल की स्टडीज है। तो हमारी यहाँ की स्टडीज अगर हम करें तो अल्लाह ही जानता है कि क्या बनेगा, कि वो सिर्फ वेंटोलिन एक एक महीने में 20-20 तो सस्ता भी मिलता है और रिलीफ भी फौरी तौर पर देता है, तो इसलिए मरीज इस्तेमाल किया जाता है। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स आर
एंटी इंफ्लेमेटरी ये इस्तेमाल कर रहे हैं इनहेल्ड फॉर्म में, रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्थमा डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्सेसरबेशन. जीना नो लॉगर रिकमेंड साबा ओनली ट्रीटमेंट फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स, ये ध्यान में रखें. अब जीना रिकमेंड नहीं करता किसी भी स्टेप पे मरीज हो, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 19 में से था पहले, पर उसके बाद टोटली चेंज हो गया ड्यू टू मेनी स्टडीज जिसने बताया कि साबा की वजह से एक्सेसरबेशन भी बढ़ जाती है और डेथ भी बढ़ जाती है. ठीक है जी. जीना नाउ रिकमेंड दैट ऑल एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स विद एस्थमा शुड रिसीव सिम्टम्स ड्रिवन और रेगुलर ICS containing controller treatment to reduce the risk of serious exacerbations. अब mild asthma क्या होता है, moderate asthma क्या होता है, severe asthma क्या होता है, मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा. mild asthma हम जब treat करते हैं तो step 1 और 2 से treat हो रहा होता है, और moderate asthma step 3 और 4 से हो रहा होता है. very severe, इन दोनों steps में 1, 2, 3, 4 से ना हो तो फिर हम कहते हैं कि patient has got very severe asthma and not controlled by step 5. अब वो क्या steps हैं? हम अब इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो फिगर. अब इससे पहले कि मैं ये फिगर को बताऊं, आप लोगों को पता होना चाहिए कंट्रोलर क्या होते हैं और रिलीवर क्या होते हैं. अगर आपको ये नहीं पता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी. व्हाट आर कंट्रोलर्स एंड व्हाट आर रिलीवर्स? रिलीवर द सिम्टम, इमीडिएटली रिलीव द सिम्टम. अक्सर तुम ना दोस्तों सारा पता, बाकी हम यू नो पढ़ के आते जी. कोई और एनी वन ऑफ यू? बेटा आप बताओ. वेरी गुड, ठीक. एंड कंट्रोलर क्रॉनिक एस्थमा में कंट्रोल करते हैं, प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट है. ठीक है ना, दीज आर द स्टेराइड्स. और रिलीवर है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, फॉरन अटैक को भी आपने बताया कि आप बीटा एग्निस्ट को दें तो फॉरन होता. तो अब उन्होंने जिन्ना ने जो 2022 की गाइडलाइंस दी है उसमें उन्होंने दो ट्रैक बना दिए. हम मरीजों को दो तरीके से एस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं, ट्रैक वन या पाथ वन, ट्रैक टू या पाथ टू. पाथ वन क्या है, ट्रैक वन क्या है, जिसमें हम कंट्रोलर तो दे ही देंगे और उसके साथ हम प्रेफर्ड रिलीवर इस्तेमाल करेंगे जब उसको अटैक बीच में आ जाता है. प्रेफर्ड रिलीवर क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ICS प्लस फॉर्मेट्रॉल. ICS, ICS कौन सा है? बेग्लोमेथासोन साथ फॉर्मेट्रॉल, मे बी ब्यूटोसाइड विद फॉर्मेट्रॉल, फ्लिटिकासोन जो अवेलेबल है आपकी कंट्री में. आई थिंक कॉमनली अवेलेबल इज बेग्लोमेथासोन प्लस फॉर्मेट्रॉल. फॉर्मेट्रॉल का, फॉर्मेट्रॉल इज ए लॉन्ग एक्टिंग बीटा एग्निस्ट. इसका एज ओवर सेलमेट्रॉल क्या है? सेलमेट्रॉल है, ये भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एग्निस्ट, पर ये सेरिटाइड के अंदर मौजूद होता है, ये फॉस्टर के अंदर मौजूद है. आई एम नॉट प्रमोटिंग फॉस्टर एंड यू नो उसको सेरिटाइड को नीचे कर रहा हूं, बोथ आर वेरी गुड. बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्मेट्रॉल जो है वो क्विक एक्शन है, ब्रोंकोडायलेशन फौरी तौर पर करता है, लॉन्ग एक्टिंग है और क्विक एक्टिंग है. जबकि सेलमेट्रॉल जो है क्विक एक्टिंग नहीं है पर लॉन्ग एक्टिंग जरूर है. तो हमने अटैक में तो वो देना जो क्विक एक्टिंग हो, जो साबा की तरह एक्ट करे, वो कौन सा है? फॉर्मेट्रॉल. तो ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रही है आपने. यूजिंग ICS फॉर्मेट्रॉल, ICS से बोला इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ध्यान में रखें, एंड फॉर्मेट्रॉल बीटा एग्निस्ट, यानी कि जो कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड्स का और फॉर्मेट्रॉल का है, एज रिलीवर रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एक्सेसरबेशन कंपेयर्ड विद यूजिंग ए साबा रिलीवर. ठीक है, साबा की बजाय हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं इनहेलर, जो हम कंट्रोलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. अब इस ट्रैक को अगर हम लेके आगे चले तो स्टेप वन और टू, यानी कि माइल्डर डिजीज है इसमें स्टेप वन और टू में. जब सिम्टम हो तो आप कौन सा इस्तेमाल कर लें? ICS फॉर्मेट्रॉल वाला, क्योंकि वहां पे आपने इनहेलर भी दे दिया और ब्रोंकोडायलेटर भी दे दिया. हम सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर नहीं दे रहे किसी जगह पे भी. स्टेप थ्री में लो डोज मेंटेनेंस इनहेल. मैं इससे पहले जाऊं तो आपको यह पता होना चाहिए कि लो डोज इनहेल स्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, मीडियम डोज इनहेल स्टेरॉइड्स और हाई डोज क्या होती है स्टेरॉइड्स. इनहेल स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, मोरल की बात नहीं कर रहे. जो कॉमनली अवेलेबल है बेक्लोमेथासोन, डाइप्रोपिडिन, डीपीआई, पीएमडीआई. ये पता है आपको कि एमडीआई क्या होता है, पीएमडीआई क्या होता है और डीपीआई क्या होता है. व्हाट इज डीपीआई? डीपीआई इज ड्राई पाउडर इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर. और पीएमडीआई जो है वो मीटर डोज इनहेलर है, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर, प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलर, ये डीपीआई. अब डिफरेंट किस्म के डीपीआई भी अवेलेबल है हमारे, जो खासतौर पर कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में दवाई है वो डीपीआई होती है. वैसे तो हमारे पास फॉस्टर की भी डीपीआई अवेलेबल है और सेरिटाइड की भी डीपीआई अवेलेबल है, और वैसे कॉमनली वो किसमें होते हैं? एमडीआई में होते हैं. और फिर उसकी एक और खूबी है इस वाले बेक्लोमेथासोन प्लस, ये एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल है, स्मॉल एयर वेज तक जाके एक्ट करता है. साइज पार्टिकल में जो हो ना वो बड़ा अच्छा, छोटा हो तो आगे वो आगे तक जाएगा, बड़ा पार्टिकल है तो ऊपर ही रुक जाएगा, बहुत छोटा होगा तो नीचे से घूम फिर के वापस आ जाएगा. तो ये पार्टिकल साइज पे भी हमने जा रहे हैं, वो जगह पे लिखा हुआ. तो बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट और बिडोसेनाइड और फ्लुटिकासोन,
ये वाले को, इनको आप छोड़ देते हैं, ये अवेलेबल सिक्लोसेनाइड मेम्टासोन ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको याद रखना है। और इनकी लो डोज क्या है, ये कंपैरिजन नहीं है डोजेस का, ये हर इनहेलर की अलग डोज है, 200 से 500 माइक्रोग्राम, हाई डोज 500 से 1000, और अगर 1000 से हम ज्यादा देते हैं दिस इज वेरी हाई, ये मीडियम डोज आगे, इस तरह इनकी ये लिखी हुई है। और बाकी ये आपको जहन में रखना चाहिए कि अब जो है लो डोज क्या है, मीडियम डोज क्या है और हाई डोज क्या है। वापस आते हैं, तो स्टेप वन में, ट्रैक वन में हमने जब भी इस्तेमाल करना है रिलीवर या पेशेंट को अटैक होता है तो हम ICS फॉर्मेट्रॉल इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम नीचे देखें तो रिलीवर के तौर पे इस पूरे के पूरे ट्रैक में एज नीडेड लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मेट्रॉल है। जब भी पेशेंट को, चाहे वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है, ट्रीटमेंट लेते भी तो पेशेंट को एक्सेसरबेशन हो सकती है ना, तो उसको एज रिलीवर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसमें साबा नहीं इस्तेमाल करना, हम आगे चलेंगे, साबा यहां पे आ जाएगा ट्रैक टू में। प्रेफर्ड ट्रैक इज ट्रैक वन, क्योंकि पेशेंट को एक इनहेलर देंगे तो खुश होगा, अगर दो इनहेलर दे देंगे तो पेशेंट का करिया लगा करिया वाला बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ट्रैक वन को ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप थ्री पे लो डोज मेंटेनेंस ICS फॉर्मेट्रॉल और एज नीडेड ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। स्टेप फोर पे जब हम मीडियम डोज मेंटेनेंस ICS, अब यहां पे सेवेरिटी ऑफ द बीमारी का भी पता चल रहा है, अगर हमारी लो डोज से कंट्रोल हो रहा है पेशेंट तो माइल्ड डिजीज है, अगर मीडियम डोज पे चला गया तो मॉडरेट डिजीज है, और अगर वो हाई डोज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो सीवियर ब्रोंकियल एस्थमा, माइल्ड मॉडरेट जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, मीडियम डोज वो उसका 200 होगा इसके इस जी जी इसमें ये देखिए फॉस्टर में डेक्लोमेथासोन है ना जी, डेक्लोमेथासोन ये 250, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फाइन वाला जो आ गया ना इसमें वैसे 200 वाला भी मेरा लो डोज ये है, मीडियम डोज ये है, हाई डोज ये, जबकि हम अगर सुटिका सोन में चले जाएं उनकी हाई डोज और मैक्सिमम डोज ये नजर, थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी डोजेस में, और ये इनहेलर के ऊपर लिखी होती है, ठीक है जी। और जब अगर किसी से कंट्रोल ना हो स्टेप फाइव पर जाएंगे तो इसमें हम हाई डोज स्टेरॉइड्स का लामा ऐड कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटीमस्कुलेंट जो है लामा है, जिस तरह की हमारे पास टायोट्रोपिन अवेलेबल है, टायोवेर के नाम से ड्राई पाउडर इनहेलर आता है, ठीक है जी, तो उसमें वो ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा फिर बायोलॉजिक्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, उनमें से एक ही चीज अवेलेबल है जो जोलेर के नाम से शायद आती है, एंटी IgE, वो ट्रीटमेंट बड़ा रेयर सा है, GP लेवल पे हम नहीं कर सकते, दिस हैज टू बी डन इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, महंगा भी है, 1,25,000 का टीका है, और कितने टीके लगने पड़ते हैं वेट और उसकी एलर्जीज के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है, वो ये लिखा हुआ। एंड एंटी लिपिड्राइन्स ये नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान, और एक और चीज LTPA कोई नहीं आई है, मतलब लिकोट्रॉपिक वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में ऑप्शन क्या है, लिपोक्वाइटी, उसमें क्या अवेलेबल है, लामा हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास हाई डोज मीडियम डोज एंड लो डोज स्टेरॉइड्स अवेलेबल है, और हमारे पास anti-IgE अवेलेबल है, ठीक है, बट दिस ऑप्शन इज नॉट फॉर प्राइमरी केयर फिजिशियन, प्राइमरी केयर फिजिशियन का काम इसके ऊपर ही हो गया, अगर उसका पेशेंट नहीं कंट्रोल हो रहा है हाई डोज से तो वो लामा एड कर सकता है। लामा सर MC क्या बना रहे, एंटी मस्क्रेनिक लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्क्रेनिक एजेंट, ठीक है, बताया एक तो बीटा एग्निस्ट होते हैं, एक ये एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, उससे भी ब्रोंकोडायलेशन हो रही होता है, इप्राट्रोपियन वो शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। अगर हम ट्रैक टू पे आए तो आप देखें सबसे पहले उससे ये लिखा हुआ है कि कंट्रोलर एंड ऑल्टरनेट रिलीवर, कंट्रोलर में हम कोई भी कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ICS विद एनी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एग्निस्ट, लाइक सैरिडाइड में जिस तरह अवेलेबल है हमारे पास सैलमेट्रॉल, ठीक है, अभी तो और हमारे पास ऑप्शन आ रही है, कॉम्बो भी 3-3 की कॉम्बिनेशन भी आनी शुरू होगी, KG1 ने सबसे पहले लेके आए ट्रिबो, ठीक है, व्हिच इज वेरी वेरी गुड फॉर COPD पेशेंट्स, अब अवेलेबल भी है और मरीजों ने इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, आउटकम हम थोड़े से बात पता चलेगा, बट ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ट्रिपल ड्रग थेरेपी, कॉम्बो ड्रग थेरेपी, एक ही इनहेलर में 3 दवाइयां आ जाएंगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ट्रिम्बो के नाम से तो इस ट्रैक में बिफोर कंसिडरिंग ए रेजिमेन विद साबा रिलीवर, चेक इफ द पेशेंट इज लाइकली टू बी अडहेरेंट विद द डेली कंट्रोलर, अगर आप उसको साबा दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, तो पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पहले से ले रहा है, अगर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं ले रहा तो फिर साबा आप नहीं देंगे, फिर आप ट्रैक में नहीं रखेंगे। सपोज वो पहले से वो बैक्लोफोर्ड ले रहा है, बैक्लोमेथासोन ले रहा है, या वो कोई प्रेपरेशन ऐसी ले रहा है जिसमें स्टेरॉइड्स हैं इनहेल, साथ आप साबा ऐड कर दें, जब अटैक हो तो कहते साबा दूसरे वाला इनहेलर ले जाए, तो ठीक है। इस तरह स्टेप वन में आ गया, अब यहां पे आप देखें एज नीडेड क्या आ गया, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एग्निस्ट साबा, यहां पे था ये कॉम्बिनेशन,
विच इज ए प्रेफर्ड ट्रैक, दिस इज ए प्रेफर्ड ट्रैक, ये ट्रैक ठीक है बट क्योंकि इसमें आप इनहेलर ज्यादा हो जाएंगे तो मरीज शायद इसकी चूज ना कर सके और बड़ा मुश्किल हो जाए डॉक्टर के लिखना, दिस इज वेरी इजी। अब वही स्टेप है 1, 2, 3 में कि मीडियम लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज स्टीराइड्स देंगे और एज नीडेड हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एग्निस्ट देंगे और अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो हमें इसमें लामा ऐड कर सकते हैं या फिर वो NDIG, NDIL और एक और चीज हमने बताई थी वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, एक थर्मोप्लास्टी भी होती है ट्रीटमेंट में जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, आप लोगों को पता है थर्मोप्लास्टी, बड़े थर्मोप्लास्टी, एनीवन डॉक्टर दत्त बोल थर्मोप्लास्टी एकदम सवाल आ गया ना जी। थर्मोप्लास्टी पता होना चाहिए आपको, थर्मोप्लास्टी बेसिकली ब्रोंकोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, थर्मल ट्रीटमेंट है, थर्मो से थर्मल, थर्मल तो ये ब्रोंकोस्कोप के थ्री यूं समझे कि आप कॉटरी करते हैं मसल्स की, हाइपर एक्टिव मसल है ना तो मसल्स को वो जला देते हैं तो उससे जिसके पार्ट को कॉटरी करते हैं तो उसको कॉटरी करते हैं, एयरवेज में जाके जो मसल्स होते हैं उनको वो कॉटरी करते हैं, खुले हो जाते हैं, वो मसल कम हो जाते हैं, वो मसल नहीं होगा तो स्पैज़म नहीं होगा, तो ये भी पोस्ट कॉटरी इन्फ्लेमेशन भी तो हो सकती है वहां पे और स्वेलिंग हो जाएगी और नारंगी हो जाएगी। वो तो बात की बात है ना कि ट्रीटमेंट ही तो हम तो ट्रीटमेंट की ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, दुनिया में हो रही है, अमेरिका में है ट्रीटमेंट थर्मोप्लास्टी की जाती है, तो अगेन इन सब के लिए सर की मैं बात, मेरे तो टीचर हैं, इन सब के लिए आपको FEV1 मोर देन 60% चाहिए इंक्लूडिंग थर्मोप्लास्टी। ये देखिए सर, अब ये डीप आगे बात नहीं, आपके नॉलेज के लिए मैंने कहा कि थर्मोप्लास्टी, अब आप जाके थर्मोप्लास्टी पढ़ लें क्या होती है, थर्मोप्लास्टी आपके नॉलेज में आ जाएगी। रेजिस्टेंट पेशेंट्स में करते हो जी, रेजिस्टेंट पेशेंट सीवियर डिजीज में, वो जो डॉक्टर बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं डॉक्टर, ठीक है जी ये हमने पढ़ लिया। अब एस्थमा का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, डॉक्टर साहब थक गए मेरे से। हाँ गायनेकोलॉजी बड़े मरीज भेजती है एस्थमा वाले, हर प्रेगनेंसी मरीज को सांस चढ़ा हुआ होता है, प्रैक्टिस से भी आउट होता है, आजकल प्रैक्टिस से होता है। तो एस्थमा के लिए हमने रिव्यू करना है, असेस करना है और एडजस्ट करना है, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, रिव्यू क्या करना है, उसके सिम्टम्स को रिव्यू करना है जब भी वो पेशेंट हमारे पास फॉलोअप के लिए आता है, फिर हम उसको असेस करेंगे किस सेवेरिटी में जा रहा है और उस सेवेरिटी के हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, अब जो दो मेन जो हमारे एम्स है टू ट्रीट एस्थमा वो क्या है कि हम सिम्टम्स को भी कंट्रोल करें और रिस्क रिडक्शन भी कंट्रोल करें। अल्लाह जन्नत नसीब करे प्रोफेसर शहबाज मुनीर राजा, मैंने बड़ा काम किया उनके साथ, आप भी जानते होंगे, वो जब हमारा राउंड लेते थे ना CMO थे डॉक्टर मेरे, वो प्रोफेसर थे चेस्ट डिजीज के, DDCD और MCBS चेस्ट मैंने उनके साथ किया, तो वो कहते थे पागला तू किस चक्कर में पहना, मरीज के सिम्टम तो ठीक कर, सिम्टम नहीं ठीक करेगा मरीज तेनू मारेगा, तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन के पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट करना है, हमने बीमारी की जड़ को छोड़े बात की बात है देखी जाएगी, बट अब मैं आपको कह रहा हूँ कि बीमारी की जड़ तक पहुंचे उसको ट्रीट करें, टीबी अगर आप एंटी टीबी नहीं देंगे, खांसी को दबाई जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। सिम्टम्स कंट्रोल एंड रिस्क रिडक्शन, अब हमने पिछले स्लाइडों में पढ़ लिया कि रिस्क रिडक्शन कैसे हो रहा है, ये नेदर स्टीराइड के साथ सिम्टम भी कंट्रोल हो रहे हैं और रिस्क भी रिड्यूस हो रहा है पेशेंट के एक्सेसिव पेशेंट्स का। सिम्टम्स कंट्रोल ये कैसे करना है ट्रीटमेंट के साथ, और रिस्क रिडक्शन ये भी मेंटेन नॉर्मल लंग फंक्शंस, प्रिवेंट फ्लेयर्स अप एंड प्रिवेंट एस्थमा डेथ। अब ये दोनों चीजें जो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को कंट्रोल कर रही है और ये किसके साथ हो रहे हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। माइंड इट कि हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक एस्थमा की, नॉट एक्यूट सीवियर एस्थमा या एस्थमा अटैक की बात नहीं हो रही है, और एक्सेसर्बेशंस वो होती हैं जो एस्थमा के दरमियान मरीज को एकदम सिम्टम्स अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो हमने डिजीज को डोज को बढ़ाना होता है या घटाना करना होना होता है उसमें। ठीक है जी, अब सिम्टम्स कंट्रोल कैसे होंगे, शॉर्ट एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एग्रेस, इनहेल्ड एंटीकोलिनर्जिक्स, इनहेल्ड शॉर्ट एक्टिंग बीटा एग्रेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ज़ैंथिन एरेटिस को छोड़ते हैं, रिस्क रिडक्शंस, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लाबा प्लस ICS, साबा प्लस ICS, इनहेल्ड एंड लिकोट्राइन मॉडिफायर्स, ये आपको पता है लिकोट्राइन कौन कौन सी होती है। अच्छा जी, अब चल अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, बस मेरे ख्याल एक स्लाइड रह गई कि मिथ्स क्या है इसमें, और मैनी मिथ्स आप सबको पता है, आपके पास मरीज ज्यादा आते हैं, मेरे से बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, मिथ्स और मिसकंसेप्शन क्या हो रही है अस्थमा में, सबको बड़ा सवाल है, डॉक्टर साहब जी खाइएगी ठीक है ना, आप सारी उम्र वो खाते रहे, हमसे पूछा डॉक्टर मैं दही खा ला जी, मैं टमाटर खा ला जी, मैं ये खा लू जी, और सिगरेट के बारे में सवाल है, कोई सिगरेट पीते हो जी, सिगरेट छोड़ दो डॉक्टर, बड़ा मुश्किल काम है, देखांगे तो वो जो बात खाने के बारे में वो बार, वो चीज जिसका मना करना होगा ना जी, उम्र की बात करते हैं डॉक्टर साहब आइसक्रीम खा सकती हूँ मैं, आइसक्रीम के बारे में गल होगी, तो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय Nothing is, you know,
मना इन एस्थमा, आप कोई भी चीज खा सकते हैं बट आप देखें कि मरीज को क्या हो रहा है। अगर वो ठंडी चीज खाए गले खराब होंगे तो खांसी खराब होगी, कटी चीज खाए गला खराब होगा खांसी ज्यादा पड़ेगी, एस्थमा वर्सन नहीं होता इन चीजों से। सो खाना मरीज को कोई मना नहीं। आगे आप देख लेते हैं राइस योगर्ट फिश एंड एग, खास तौर पे राइस योगर्ट एंड बनाना, तीन चीजों का बहुत बड़ा मिथ है कि जी मैं केला खावांगी तो रेजा पे आ जाता, चावल खावांगी तो रेजा पे आ जाता, दूध बेसिकली साइंटिफिकली इन चीजों का एस्थमा के एक्सेसरबेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पर फिर भी अगर मरीज डरता तो भाई तू ना खा चावल घाटे लगते रहे, सीधी जी खुश हाल तो नहीं मारने जी। अगर आपको वाकई लगता है कि आप चावल खाते हैं में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है राइस में जो इसको एग्रेवेट करे? नहीं जी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा आज तक, मैंने जितना पढ़ा है राइस के बारे में वो मिथ ही लिखते हैं कि दिस इज मिथ। फिश या एग वगैरह से तो एलर्जी हो सकती है, वो तो खैर एलर्जी आती है ना, पर कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम जिसे मैंने अभी बात की, ठीक है जी, बड़ा मरीज शुगर का मरीज कहना है मैं तो खाने ही हलवा है मिठाई खानी है, उन्होंने जितना मर्जी मना कर लो वो कोई चीज मंगेगा, ठीक है। स्मोकिंग इन द हाउस वुड नॉट हार्म माय चिल्ड्रन इफ दे आर नॉट एट होम, कहते जी बच्चे बाहर चले जाते तो मैं सिगरेट पीता हूँ, जब मैंने सिगरेट पीता मैं बाहर चला जाता हूँ, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना है। सिगरेट अगर तुम पीते हो तुम बाहर पी के आ रहे हो तो अभी तुम एक होती है प्राइमरी स्मोकिंग, एक होती है सेकेंडरी स्मोकिंग, टर्शियरी स्मोकिंग भी होती है, पैसिव स्मोकिंग, पैसिव तो सेकेंडरी है ना, थोड़ा सा फायदा सेकेंडरी जाता है ना, टर्शियरी स्मोकिंग भी कांसेप्ट है। देखिए सर इसमें आई एम नॉट एग्री विद यू, पता है रीजन क्या है कि जब हम घर के अंदर स्मोक करेंगे, बच्चों के सामने स्मोक करेंगे तो दैट स्मोक विल गो इनसाइड द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड दैट एग्रेवेट द कंडीशन इफ द बेबी और द चाइल्ड इज हैविंग ऑलरेडी प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि फिजिकल इरिटेशन भी हो सकती है, केमिकल इरिटेशन भी हो सकती है। तो अगर कोई कहता है कि मैं बाहर चले जाता हूँ पी के आ जाता हूँ तो हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट? आप ये आपकी सोच है, आप स्टडीज उठाए, लिटरेचर उठाए, अगर आप पैसिव स्मोकिंग करा रहे जो आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं घर में, अगर आप बाहर भी पी के वापस आते हैं तो आपके कपड़ों में केमिकल्स पड़े होते हैं, ये स्टडीज ने शो किया ना, मतलब मेरी बात तो है नहीं, अब हम उसको टॉपिक को ले नहीं रहे, पर आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि डायरेक्ट अगर हम पी रहे हैं तो डायरेक्ट स्मोक अंदर जाएगा तो बड़ा ग्रस्त ज्यादा करेगा ऑफ कोर्स। अब आपके इलम में शायद ये ना हो कि एक्टिव स्मोकिंग या एक्टिव स्मोक पैसिव स्मोक है तो फिल्टर की फिल्टर हो गया आता है सारा का सारा, बड़ा ग्रस्त ज्यादा करता है। अब इस पर स्टडीज बहुत सारी है, हमारा टॉपिक नहीं है स्मोकिंग, किसी दिन और रखेंगे दास साहब को कहेंगे सर ये जरूर रखिए आप स्मोकिंग पर रखेंगे, स्मोकिंग पर रख लेंगे। 70% चिल्ड्रन गेट एक्सपोज टू टोबैको टॉक्सिन एवरी डे इन पाकिस्तान, सारी बड़ा ग्रह को बेचारा उनको पता भी है पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को खांसी सांस चढ़ती फिर भी बैठे स्मोकिंग करते रहते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी आई डोंट नो, इस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा आपसे, ये भी स्टडीज ने बताया कि जिसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसमें अस्थमा ज्यादा होता है, पर हम को कभी टेस्ट नहीं करते, सर उसका इम्यून सिस्टम को फोकस करके शायद कहते हो, ठीक है। इसकी रीजन ये है कि कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होती है, कैल्शियम इज हेल्पफुल इन द मस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। वेरी वेरी चलो मान लिया आपकी बात हमने, एस्थमा इज इंक्लूडिंग डब्ल्यूएचओ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल एंड द यूनाइटेड नेशंस 2030 एजेंडा ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये अब कंक्लूजन है, टेक होम मैसेज है कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सेज, स्कूल टीचर्स, मीडिया, पेरेंट्स, फार्मा कंपनीज एंड सोसाइटी should work together to control this disease. सबको knowledge होना चाहिए, सबको knowledge देना चाहिए, दूसरे साथ discussion करनी चाहिए और फिर हम we would able to know। अगर हम patient को नहीं समझाएंगे तो कोई फायदा, डॉक्टर्स को नहीं पढ़ाएंगे, पैरामेडिक्स को नहीं पढ़ाएंगे। अब मैं अगर चार मरीज देखता हूँ तो मुझे अपने टेंडेंट को समझाने का भी है, इनको समझाएंगे इनहेलर कैसे इस्तेमाल करना, तो मेरा टेंडेंट इतना ट्रेंड हो गया मैं उसको मरीज को बता सके, मरीज का बच्चे को इनहेलर देना, मरीज के वालिद को बताओ वालदा को भी इनहेलर कैसे देना, ठीक है ना। जी कोशिश तो ये वर्सनिंग करती है ना जी, स्मॉग इज यू नो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर वर्सनिंग ऑफ द एस्थमा। तो जब स्मॉग के डेज आते हैं, सर्दी में वैसे भी पॉल्यूशन का लेवल बहुत नीचे आ जाता है, गर्मियों में लाइट हवा ऊपर जाती है उसमें और एलर्जेंस आ जाते हैं, मतलब पूरा साल कुछ ना कुछ सिलसिला तो चल रहा है ना जी बेचारे, कुछ मरीज गर्मियों में खराब हो रहे हैं, कुछ सर्दियों में खराब हो रहे हैं, कुछ दोनों में खराब हो रहे हैं। बट स्मॉग इज द रिस्क फैक्टर फॉर वर्सनिंग ऑफ द एस्थमा, नॉट द कॉज ऑफ द एस्थमा बट इट्स रिस्क फैक्टर फॉर वर्सनिंग, मींस इट इज अ बिट रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम आल्सो।
maybe immune system. Thank you very much for your patience listening. Up to all of you.